इमरान खान को पाकिस्तान रेंजर्स ने क्यों मारे धक्के, जबरदस्ती क्यों गिरफ्तार किया, आखिर क्या है मामला। इमरान खान और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच मात्र एक सीसी का गिलास, शीशा तोड़ा, इमरान खान को किया गिरफ्तार। इमरान खान के प्रशंसक गुस्से से बौखलाए, क्या इमरान खान का भी वही हाल होगा। एक नाम जो क्रिकेटर रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और आज सलाखों के पीछे भी हैं। कल से एक तस्वीर वायरल हो रही है और ये तस्वीर किसी और की नहीं, इमरान खान की है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने शीशा तोड़कर उन्हें खींचकर बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया। ये तस्वीरें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी की है। पाकिस्तानी रेंजर्स इन्हें धकियाते हुए गाड़ी की ओर ले जा रहे हैं। पहले हम बात करेंगे इमरान खान की गिरफ्तारी के बारे में, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे इमरान खान के दोस्त ही उसके दुश्मन बन गए। मामले के बाद कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने गृह मंत्रालय के सचिव और इस्लामाबाद के पुलिस चीफ को तलब किया। उन्होंने 15 मिनट में सभी को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा। जस्टिस फारूक ने कहा कि अगर पुलिस चीफ कोर्ट में पेश नहीं हुए तो हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहां बुलाएंगे। आप ये बताएं कि इमरान को किस मामले में और क्यों गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने पूछा, गिरफ्तार क्यों किया। मामले के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने गृह मंत्रालय के सचिव और इस्लामाबाद के पुलिस चीफ को तलब किया। उन्होंने 15 मिनट में सभी को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा। जस्टिस फारूक ने कहा कि अगर पुलिस चीफ कोर्ट में पेश नहीं हुए तो हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहां बुलाएंगे। आप ये बताएं कि इमरान को किस मामले में और क्यों गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने इसकी पुष्टि की। वहीं पीटीआई नेता मुसरत चीमा ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि वो लोग इमरान खान साहब को मार रहे हैं, उन्होंने इमरान साहब के साथ कुछ कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इमरान की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। कोर्ट के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। बताया ये भी जा रहा है कि इमरान खान के वकील और समर्थकों से मारपीट भी की गई है। आपको बता दें कि दरअसल इमरान को गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तान के किसी प्रांत की पुलिस नहीं पहुंची थी, बल्कि बॉर्डर की सुरक्षा करने वाले पाकिस्तानी रेंजर्स बुलाए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाथों में आधुनिक हथियार लिए ट्रेन जवानों को यह पता था कि इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद हैं। जब सैकड़ों की संख्या में रेंजर्स वहां पहुंचे तो उनके और इमरान के बीच एक शीशे की दूरी थी। हाथों से शीशा तोड़ते हुए सीधा रेंजर्स इमरान तक पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार किया, गाड़ी में बिठाया और किसी ऐसी जगह पर ले गए जिसके बारे में किसी को पता नहीं। इमरान खान के फैंस इस बात से परेशान हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा बंद। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में मंगलवार को ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी गई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसके अलावा पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में मोबाइल डेटा सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को पाकिस्तान के निजी स्कूल बंद रहेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया जिसमें पाकिस्तानी रेंजर्स उन्हें खींचते हुए ले जाते दिख रहे हैं।